नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ में आज बातचीत करेंगे अडानी के मसले को लेकर। आप जानते ही हैं अडानी को मसले को लेकर क्या कुछ इन दिनों चल रहा है और तरह तरह के सर्वे भी हो रहे हैं। एक सर्वे, ताज़ा सर्वे इस बात को लेकर हुआ है कि अडानी ग्रुप का दरअसल जो खेल है, अडानी ग्रुप में जो घोटाला हुआ है उससे मोदी सरकार को भारी नुकसानी उठाना पड़ सकता है। और ये कब उठाना पड़ सकता है, जरा सुन लीजिए। ये इसीलिए क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में इतना बड़ा मसला सामने आना और खास करके अडानी का चुप रहना, मोदी सरकार का चुप रहना, ये उनको भारी नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। और इस मसले को जिस तरीके से कांग्रेस पकड़ ली है, जकड़ ली है, मोदी सरकार के होश उड़ा दिए। इसलिए आप दर्शकों को बताते चलें कि मोदी सरकार का लगभग अब हार तो नहीं है 2024 में, लेकिन जीतना एक तरफा जो था वो अब नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के होश उड़ते जा रहे हैं, मोदी सरकार की परेशानियां होती जा रही हैं। हम और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से किस तरीके से अडानी के घोटाले का मामला कोर्ट में भी गया, उसके बाद प्रदर्शन हुए सड़कों पर और कांग्रेस ही इसको लेकर पूरी तरह से हमला बढ़ा। अब इसको लेकर जानकार जो सोशल एक्टिविस्ट हैं तमाम लोग तरह तरह के खुलासे कर रहे हैं और समझने परखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको लेकर आने वाले वक्त में क्या होगा और नहीं होगा। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मायने क्या होगा, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका फर्क क्या पड़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी भी है। अब देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है, देखना पड़ेगा कि वाकई में ये जो सर्वे हैं क्या सही साबित होते हैं, क्या मोदी की सरकार गिर जाएगी उससे पहले, क्योंकि सर्वे में ये सब बातें भी कह रहे हैं जो सोशल मीडिया पर जानकार है। लेकिन जिस तरीके से कवर अप करते नजर आ रही है अडानी घोटाले को मोदी सरकार, मुझे नहीं लगता कि ये तमाम चीज़ होती। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।